हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चोपड़ा एजुकेशन और मैं हूं हरसाय चोपड़ा। दोस्तों, स्वास्थ्य मामलों पर वित्त आयोग की ओर से विशेषज्ञों की एक समिति बनाई गई थी, जिसने अपने रिपोर्ट में एमबीबीएस की सीटें पीजी के बराबर करने की सिफारिश की है। इसमें कारण भी बताया गया है कि क्यों बराबर करनी चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो ये सभी नीट, एस्पिरेंट और एमबीबीएस करने वाले स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात होगी, क्योंकि एमबीबीएस करने के बाद पीजी के लिए फिर से वही लाइन में खड़ा होना पड़ता है। तो ये जो आप mlivehindustan.com का न्यूज आर्टिकल देख रहे हैं, इसमें लिखा है एमबीबीएस और मेडिकल पीजी की सीटें बराबर करने की सिफारिश। इसमें आगे लिखा है, वित्त आयोग की ओर से स्वास्थ्य मामलों पर बनाई गई विशेषज्ञों की समिति ने अपनी रिपोर्ट में एमबीबीएस और मेडिकल पीजी की सीटें बराबर करने की सिफारिश की है। इसमें कहा गया है कि इसमें एमबीबीएस छात्रों पर पीजी एडमिशन का दबाव कम होगा और देश के विशेषज्ञ डॉक्टर मिल सकेंगे। एम्स दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के समन्वय में बनी इस समिति में कई विशेषज्ञ शामिल थे। वित्त आयोग को सौंपी गई इस रिपोर्ट में कहा गया है कि एक तिहाई एमबीबीएस के छात्र अपना समय पीजी की तैयारी में देते हैं, इस वजह से वे स्वास्थ्य सेवाओं से दूर रहते हैं। इसलिए सिफारिश की गई है कि देश में मेडिकल पीजी सीटों की संख्या बढ़ाकर एमबीबीएस की सीटों के बराबर कर दिया जाए। फिलहाल देश में करीब 2 एमबीबीएस की सीटों पर 1 पीजी सीट मौजूद है। तो ये जानकारी थी इसके बारे में। अगर ये ऐसा हो जाता है तो ये एमबीबीएस कर रहे स्टूडेंट और नीट एस्पिरेंट के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। तो दोस्तों, ये खुशी की बात जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी वो शेयर की है। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, क्योंकि इस प्रकार की इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम लेके आते रहते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नई जानकारी के साथ में नए वीडियो में। तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद।